कई सदियों से चली आ रही परंपराएं और रीति रिवाज हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा हैं। लेकिन समय के साथ इनमें से कई का असली मकसद खो गया है। एक ऐसी ही प्रथा है महिलाओं का पीरियड्स के दौरान मंदिर न जाना, रसोई में न घुसना और सिर न धोना। आज इस प्रथा को लेकर कई तरह की भ्रांतियां और गलत धारणाएं हैं। लोग इसे शुद्धता और अशुद्धता के नजरिए से देखते हैं, लेकिन इसके पीछे का असली कारण कुछ और ही है। यह सब महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा था। आइए इस कहानी के साथ इन प्रथाओं के पीछे के तर्कों और वास्तविकताओं को समझें। हमारे प्राचीन समाज में मंदिर अक्सर गांव के बाहर शांत और प्राकृतिक स्थानों में बनाए जाते थे। इनमें से कई मंदिर जंगलों के करीब होते थे, क्योंकि मंदिरों का निर्माण उन जगहों पर किया जाता था जहां ध्यान और शांति का वातावरण हो। लेकिन उन दिनों जंगलों में जंगली जानवर भी होते थे, जैसे कि शेर, बाघ और अन्य शिकारी जीव, जो इंसानों के लिए खतरा थे। महिलाओं के पीरियड्स के दौरान उनके शरीर से खून निकलता है और विज्ञान हमें बताता है कि जंगली जानवर, विशेषकर शिकारी जानवर, खून की गंध को बहुत दूर से पहचान सकते हैं। पीरियड्स के समय महिलाएं अगर जंगल के पास स्थित मंदिरों में जाती तो खून की गंध से उन्हें जंगली जानवरों से खतरा हो सकता था। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह नियम बना कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं मंदिर न जाएं। उस समय यह नियम उनकी सुरक्षा के लिए था, न कि धार्मिक रूप से उन्हें अशुद्ध मानने के लिए। मंदिर जाना और पूजा करना उस समय के धार्मिक और सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। लेकिन इन दिनों में महिलाओं को मंदिर न जाने की सलाह दी गई ताकि वे किसी जंगली जानवर का शिकार न बने। अब बात करते हैं रसोई में न जाने की प्रथा की। पुराने समय में रसोई का काम बहुत कठिन और थका देने वाला होता था। आग जलाना, अनाज पीसना, सब्जियां काटना और कई घंटों तक भोजन पकाना किसी भी महिला के लिए शारीरिक रूप से थका देने वाला काम होता था। आज की तरह गैस स्टोव, मिक्सर या फ्रिज जैसी सुविधाएं नहीं थीं। रसोई में महिलाओं को बहुत समय और ऊर्जा लगानी पड़ती थी, और खासकर पीरियड्स के दौरान जब उनका शरीर पहले से ही कमजोर होता था, यह काम और भी मुश्किल हो जाता था। पीरियड्स के दौरान शरीर से खून निकलता है, जिससे महिलाओं को कमजोरी महसूस होती है। इन दिनों में उन्हें आराम की जरूरत होती है ताकि उनका शरीर इस प्रक्रिया से गुजर सके। इसीलिए घर के बड़े बुजुर्गों ने यह नियम बनाया कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं रसोई के कामों से दूर रहें। इसका मकसद महिलाओं को काम से दूर रखकर उन्हें शारीरिक और मानसिक आराम देना था। यह एक तरह से महिलाओं की सेहत की देखभाल का तरीका था, क्योंकि उस समय मासिक धर्म के दौरान उन्हें पूरी तरह से आराम की जरूरत होती थी। यह प्रथा उनके स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती थी, न कि उन्हें किसी भी प्रकार से नीचा दिखाने के लिए। 3. शास्त्रों में कहा गया है कि पीरियड्स के शुरुआती 3 दिनों तक महिलाओं को सिर धोने से परहेज करना चाहिए। इस नियम का एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आधार है। जब किसी के नाक से खून निकलता है तो उसे सिर पर ठंडा पानी डालने की सलाह दी जाती है ताकि रक्तस्राव रुक सके। इसी तरह पीरियड्स के दौरान अगर महिलाएं सिर धोने के लिए ठंडा पानी इस्तेमाल करतीं तो उनके शरीर में ठंडक पैदा हो सकती थी, जिससे रक्तस्राव कम हो सकता था या असामान्य रूप से रुक सकता था। पीरियड्स के दौरान शरीर से खून का निकलना एक प्राकृतिक और आवश्यक प्रक्रिया है। अगर इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप होता तो यह महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता था। इसलिए यह नियम बना कि शुरुआती 3 दिनों तक सिर पर पानी न डाला जाए ताकि रक्तस्राव बिना किसी रुकावट के हो सके। यह नियम महिलाओं के शरीर को प्राकृतिक तरीके से खुद को साफ करने का मौका देने के लिए था, और यह उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए था। इसका मकसद भी शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना था, न कि किसी धार्मिक प्रतिबंध के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। समय के साथ जब समाज में बदलाव आया और प्रौद्योगिकी ने जीवन को सरल बनाया, इन प्रथाओं का असली मकसद धुंधला हो गया। लोग इन नियमों को धार्मिक परिप्रेक्ष्य में देखने लगे और इसे शुद्धता अशुद्धता के साथ जोड़ने लगे। महिलाओं को पीरियड्स के दौरान अशुद्ध माना जाने लगा और उन्हें समाज के विभिन्न कार्यों से दूर रखा जाने लगा।
इस सोच ने महिलाओं के प्रति समाज की धारणा को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। वे धार्मिक और सामाजिक जीवन से अलग कर दी गईं, और यह मान लिया गया कि मासिक धर्म के दौरान महिलाएं पूजा या किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग नहीं ले सकती। इस सोच ने महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई और उन्हें मानसिक रूप से कमजोर बना दिया। लेकिन असल में इन नियमों का धार्मिकता से कोई संबंध नहीं था। यह सब कुछ महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनाया गया था। परंपराएं समय के साथ बदल गईं और उनके वास्तविक उद्देश्य को समाज ने भुला दिया। आज जब विज्ञान और तर्क का युग है, हमें इन पुरानी प्रथाओं का पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इन प्रथाओं का मूल मकसद क्या था और कैसे हम उन्हें आज के संदर्भ में समझ सकते हैं। पीरियड्स के दौरान मंदिर न जाना या रसोई में न घुसना उन समय की जरूरत थी, जब महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी था। आज हमारे पास चिकित्सा विज्ञान और तकनीकी सुविधाएं हैं जो हमें इन परंपराओं को एक नए दृष्टिकोण से देखने का मौका देती हैं। आज के समय में यह जरूरी है कि हम महिलाओं के मासिक धर्म को एक जैविक और प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करें, न कि इसे किसी धार्मिक या सामाजिक प्रतिबंध से जोड़ें। महिलाओं के शरीर की प्रक्रियाओं को समझना और उन्हें सही तरीके से सम्मान देना आज के समाज की जिम्मेदारी है। हमें उन धारणाओं को चुनौती देनी चाहिए जो महिलाओं को कमजोर या नीचा दिखाती हैं। टे, आज हम एक प्रगतिशील समाज की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी परंपराएं और रीति रिवाज महिलाओं की गरिमा और अधिकारों का सम्मान करें। यह समझना जरूरी है कि पीरियड्स एक जैविक प्रक्रिया है और इसके कारण किसी भी महिला को सामाजिक या धार्मिक गतिविधियों से अलग नहीं किया जाना चाहिए। हमें पुरानी प्रथाओं को एक नए नजरिए से देखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे महिलाओं के स्वास्थ्य और भलाई को बढ़ावा दें, न कि उन्हें किसी भी तरह से कमजोर या अपमानित करें। निष्कर्ष कहानी यह है कि इन प्रथाओं का असली मकसद कभी भी महिलाओं को नीचा दिखाना नहीं था। यह सब उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए था। लेकिन समय के साथ लोग इन प्रथाओं को गलत ढंग से समझने लगे और उन्हें धार्मिकता और अंधविश्वास से जोड़ दिया। आज हमें इन प्रथाओं का वैज्ञानिक और तार्किक विश्लेषण करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने समाज को एक ऐसी दिशा में ले जाएं जहां महिलाओं को बराबरी और सम्मान मिले।